हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूं नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए सऊदी अरबिया से, ठीक है ना, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है आपको ऑनलाइन। बहुत ही इजी जो है मेथड है और बहुत ही जो है इसको अच्छे से आप फील कर सकते हैं खुद और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी ले लेना है, ठीक। कोई भी ईमेल आईडी हो, आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है ना, किसी के दूसरे की ईमेल आईडी से नहीं करना है। और यहाँ पर एक जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जैसे जीमेल आईडी बनाते हैं वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी ये वाले वेबसाइट पे आके आपको अपना खुद का आईडी बना लेना है, क्योंकि इसी से जो है हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और इसी पे जो है लिंक आएगा और जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी जो रिसिप्ट होगी जो अपॉइंटमेंट की वो इसी पे आएगी। तो इसलिए जो है हमें अपना पर्सनल जो है ईमेल यूज करना है जो आपके मोबाइल में होगा। इसको अच्छे से आपको फिल कर लेना है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर वो आपको दे देना है। जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से फ्रेंड्स जो इसकी जो प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, ठीक है ना। कोई भी स्टेप जो है इसमें आपको जो है ध्यान से करना है। आपको यहाँ पे फिल करने के बाद से फ्रेंड्स क्या होगा, आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जो है ईमेल आएगा, ठीक है ना। जब आपको ईमेल आएगा तो उसमें एक लिंक होगा, ठीक है, उस लिंक पे आपको जो है ईमेल के लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पता चल गया कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया था वो चला गया, यहाँ पे ये लिंक आ गया है। तो यहाँ पे इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा जो है न्यू टैब ओपन हो जाएगा, उस वाले टैब पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए लॉगिन वाले पेज पे, इस पर क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट के लिए ये आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। तो आप इसमें देख लीजिएगा जो लिखा होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे बाईसाइकिल का ये सिलेक्ट करके इस पर ओके कर देंगे, उसके बाद से ओके कर दें, ठीक है। एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या लिख के आ रहा है, उसी को आपको टिक करना है। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको आ जाना है यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद से आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप जिस भी रीजन में है, या रियाद में है, जो है जद्दा में है, दमा में है, जहाँ भी है आप, वहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं रियाद का करूँगा, उमल हमाम का, तो उमल हमाम के मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा। आप जहाँ भी होंगे उसको अच्छे से यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके आसपास का जो भी होगा ना उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको देख के यहाँ से, तो अच्छे से चेक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट करना है तो मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे जो है आपको पासपोर्ट से रिलेटेड है तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करना है। और यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डेट आपको शो करने लगेगा कि इस डेट में जो है आपको फॉर्म जो है आप जाके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नाम अपना देना है, ठीक है। तो अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है जैसे आपका पासपोर्ट में है सेम टू सेम वैसे ही देना है। फर्स्ट वाले में आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए और सेकेंड वाले में जो है लास्ट नेम आपका होना चाहिए। उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सही जो है फिल होना चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही दे रहा हूँ, देखता हूँ कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं लेगा तो नेक्स्ट टाइम में चेंज कर देंगे, जैसे कि रेड आ रहा है तो हो सकता है नहीं लेगा, फिर भी मैं इसको जो है आगे प्रोसेस करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो जो इसमें चीज़ें ज़रूरी है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी जो है वीडियो के माध्यम से देख के सेम टू सेम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज़ पर आपको जो है ध्यान से जो है देखना है, जो चीज़ें मैं फिल कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही करना है। पासपोर्ट नंबर जो है आपका सही होना चाहिए, आपका नेम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और एक्सपायरी डेट जो है वो भी सही होना चाहिए। उसके बाद से आपका मोबाइल नंबर जो होगा आपके पास में वो देना है और ईमेल आईडी देना है, ठीक है ना। ईमेल आईडी वही देना है जो आपने जो है अभी जिस पर आपने अपना जो है अकाउंट बनाया हुआ है वही वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भी देना है, अगर ईमेल आईडी मांग रहा है तो। अब जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे रेड आ रहा है तो मैं इसको देखता हूँ, कोशिश करके नहीं ले रहा है तो फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको अब से जो है यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अब से करता हूँ तो ये रेड वाला जो है ये चला जाएगा लाइन, ठीक है ना। उसके बाद से ये वैलिड हो जाएगा तो यहाँ से हम रिसबमिट कर पाएंगे। देखिए जैसे कि ये चला गया, ठीक है, रेड वाली लाइन जो थी इसमें नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो शो कर रहा है, ठीक है ना, नीचे में जो है यहाँ पे रेड अभी दिख रहा है। तो ये भी बहुत जल्द जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं और ये चला जाएगा, देख लीजिएगा आप। जैसे आप भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो है डायरेक्ट फिल मत कीजिएगा,
क्योंकि इसमें जो डेट ऑफ मंथ है ना वो थोड़ा सा इसमें आपको अलग दिख रहा होगा, ठीक है ना। पहले इसमें जो है मंथ दिखेगा, फिर डेट दिखेगा, फिर ईयर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है आप फिल कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करके, और उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसको करें, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स आगे जाएंगे तो आपको आपका डिटेल शो हो जाएगा, यानी आपका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। तो नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, आपका नाम जो है पासपोर्ट में जिस हिसाब से उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो हम जो करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा नाम आपका सही है कि नहीं है। उसके बाद से नाम अगर आपका सही है तो आगे जो है आपको इस पर क्लिक करके बढ़ जाना है, ठीक है ना। आगे इसमें चले जाएंगे जब आप, तो आगे आपको डेट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। जिस भी डेट में आपको लेना होगा आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा डेट है, जैसे कि मेरे एक दो को नहीं जाना है, एग्जाम्पल उसको छः को जाना है, तो मैं छः को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। छः को सिलेक्ट करते ही नीचे जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ये टाइमिंग पूछेगा किस टाइम में आपको जाना है। तो यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून और यहाँ पे ये तीन जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन चाहिए आपको ले लेना है। जैसे मुझे आफ्टरनून में जाना है तो मैं आफ्टरनून कर लेता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद से टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ इस टाइम में, ठीक है। 10 मिनट का जो है टाइमिंग रहता है, उसके अंदर में 10 से 15 मिनट में आपको पहुँच जाना है वहाँ पर, उस टाइम पर आपको रहना है वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है उनकी जो है सर्विस है, आप चाहेंगे वहाँ पे तो अंदर में जो है आप उनसे भी जो है ये फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, यानी कि जो ऑफलाइन जो फॉर्म फिलअप होता है, जो प्रोसेस होता है वो उनसे आप करा सकते हैं, फ़ोटो का, फॉर्म फिलअप का और जो भी चीज़ें होती है। तो वहाँ से आप कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट पैसे दे के करा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है, और इसको आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके कराना है। आप चाहे तो कहीं से आप जो है फ्रीडम है, कहीं से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, या किसी एजेंट से, या फिर जो है वहाँ से एम्बेसी से भी आप करा सकते हैं डायरेक्ट जाके वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑलरेडी वहाँ से आप जाके करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल्स आ जा रहा है, आप देख लेंगे यहाँ पर डिटेल्स आपका, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो सही है कि नहीं है एक बार ध्यान से। उसके बाद से आई एक्सेप्ट पे और यहाँ पे दोनों पे टिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे डिटेल्स आ जाएगा और ये बुक हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप भी अपना खुद का जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और पैसे बचा पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।